आरसीबी की शर्मनाक हार पर रो पड़े कोहली, गुस्से में लिया हैरान करने वाला फैसला। जी हां दोस्तों, हैदराबाद के हाथों आरसीबी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह धराशायी हो गई, जिस कारण आरसीबी को हार तो मिली, साथ ही उन्हें पॉइंट टेबल में भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। वही इस हार के बाद कोहली काफी भावुक हो गए और उन्होंने टीम के लिए एक बड़ा फैसला तक ले डाला। दोस्तों क्या है पूरा मामला, बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या बैंगलोर इस आईपीएल में प्लेऑफ में पहुंच पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद की जीत का रथ थमने का नाम नहीं ले रहा। टीम ने टूर्नामेंट का आगाज लगातार दो हार के साथ जरूर किया, लेकिन उसके बाद जीत की राह ऐसी पकड़ी जिससे भटक नहीं रहे। आईपीएल की ऑरेंज आर्मी कहे जाने वाली ये टीम एक के बाद एक मुकाबले जीतते चली जा रही है। उसकी इस प्रक्रिया का ताजा शिकार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम बनी है, जिसका गेम हैदराबाद ने सिर्फ 48 गेंदों पर ओवर किया, यानी पूरे 72 गेंद पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ अपना मैच जीत लिया। जी हां, आईपीएल 2022 के 36वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने बिल्कुल एकतरफा मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 9 विकेट से हरा दिया। ब्रिबॉर्न स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में हैदराबाद ने बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर बैंगलोर को इस सीजन के सबसे छोटे स्कोर 68 रन पर समेट दिया। टीम के लिए मार्को यानसन और टी नटराजन ने 3-3 विकेट लिए। बाद अभिषेक शर्मा के ताबड़तोड़ 47 रनों की मदद से हैदराबाद ने सिर्फ 8 ओवरों में ही मैच खत्म कर दिया। हैदराबाद की ये लगातार 5वीं जीत है और इसके साथ ही टीम पॉइंट टेबल में सीधे दूसरे स्थान पर पहुँच गयी है। वही इस करारी हार के कारण बैंगलोर चौथे नंबर पर खिसक गई है और उसे रन रेट का भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है और आरसीबी का रन रेट माइनस में आ गया है, जो कि 0.47 है। वही हैदराबाद अब प्लस रन रेट के साथ 0.69 पर पहुंच गई है। दोस्तों आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां किसी भी टीम को कम नहीं आका जा सकता। हर साल ऐसा होता है कि कमजोर दिखने वाली टीमें भी मजबूत नजर आने वाली टीमों को चौंका देती है। आईपीएल 2022 में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। फरवरी में हुए मेगा ऑक्शन की नीलामी के बाद दो टीमों गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे, लेकिन लीग स्टेज के आधे मैच निपट जाने के बाद अब यही दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल के पहले दो स्थान पर हैं। शनिवार 23 अप्रैल को गुजरात और हैदराबाद ने अपने अपने मुकाबलों में जीत के साथ पहले और दूसरे स्थान पर अपना कब्जा किया। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी के खिलाफ मुकाबला 72 गेंद पहले जीत लिया। उसकी इस आसान जीत में गेंदबाजों की बड़ी भूमिका रही, जिनकी बदौलत हैदराबाद की पूरी टीम सिर्फ 68 रन पर ही ढह गई। नतीजा ये हुआ कि 69 रन के मिले लक्ष्य को हैदराबाद ने सिर्फ 8 ओवर में हासिल कर लिया। हैदराबाद की ओर से उसके बाएं हाथ के ओपनर अभिषेक शर्मा ने तूफानी बैटिंग की। उन्होंने 69 रन में से 47 रन अकेले 28 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और एक छक्के की मदद से बनाए। वही दोस्तों आरसीबी की बड़ी हार की एक बड़ी वजह है विराट कोहली का नहीं चलना। इस आईपीएल कोहली का बल्ला पूरी तरह से उनसे रूठा हुआ है। हर मैच में कोहली की नाकामी आरसीबी को भारी पड़ रही है। कई बार ऐसा हो रहा है कि कोहली पहले ही गेंद पर आउट हो जा रहे हैं। इसे आप समझ सकते हैं कोहली अभी कितने बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं। ये देखते हुए कोहली ने बड़ा फैसला टीम की हित के लिए लिया है। दोस्तों कोहली ने कहा है कि वे अब अगले मैच में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं होंगे। कोहली ने कहा, जब तक उनकी फॉर्म वापस नहीं आ जाती वे प्लेइंग 11 में नहीं खेलेंगे, बल्कि उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। दोस्तों कोहली के इस फैसले को सुनकर टीम मैनेजमेंट भी काफी हैरान हो गए। हालांकि कोहली खेलेंगे या नहीं ये तो टीम और कप्तान को ही फैसला करना है। अब देखने वाली बात होगी क्या कोहली अगले मैच में नजर आते हैं या फिर उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा। वैसे दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं क्या कोहली को खेलना चाहिए या नहीं, अपनी राय जरूर बताएं।